स्वागत है। अभी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को गांव का जो बाढ़ का पानी था, तो आज फिर से उसी वीडियो के टॉपिक पे एक और वीडियो आएगी। तो अभी मार्केट आया हूँ, बहुत ज़्यादा पानी है, अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और मार्केट भी आए हैं हम लोग, आए हैं पैदल क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था, बाइक कुछ भी तो आ नहीं पाती थी। पैदल आए हैं सब, इतना इतना पानी पड़ा, बहुत थक गए हैं बिल्कुल। 5 से 6 किलोमीटर पैदल आए हैं चल के, तो अभी दिखाते हैं आप लोग को पानी। सकते हैं यहाँ पर आगे भी पानी भरा हुआ है और सामने है रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी पानी आ चुका है, बाढ़ का पानी आ चुका है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है सबको, बाइक निकलने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है सब लोगों को, तो उसी देख रहे हैं सब खड़े। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें कितना पानी भरा हुआ है। मतलब पैदल आए हैं, एक तो इतना थक चुके हैं। ये है सामने होंडा एजेंसी बाइक की, इसमें भी पानी पूरी तरीके से घुस चुका है, ये देख सकते हैं। ये बाइक लेके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी है, स्टेशन ना पहुंच जाए पानी का। ये है रेलवे स्टेशन हमारी पलिया का, ये देख सकते हैं हम लोग, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये देख सकते हैं सारी दुकानों में पानी घुस चुका है, बियर दुकान देसी। ये इधर एजेंसी के अंदर भी पानी पहुंचा है, एजेंसी के अंदर पानी है ना, पानी अंदर भरा है, अंदर भी पानी भरा हुआ है। और अभी आगे दिखाते हैं हम आप लोगों को, ये है हमारी मार्केट का सक्सेना हॉस्पिटल, यहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप भी दुकानों के आगे पानी। मतलब आज जो भी होगा ब्लॉग में, जितना भी दिखाया जाएगा, सारा पानी ही पानी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखो पूरी गली में पानी भरा हुआ है, कितना ज़्यादा पानी ही, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को निकलने में, आप बाहर आने जाने में। और इधर का भी सारा पानी है पानी, पलिया तहसील के अंदर पूरा ही पानी, ये देखें पलिया तहसील। हमारी इंडियन आर्मी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है, चारों तरफ ही पानी पानी है। मतलब इतनी दूर से पैदल आए, एक तो थक भी बहुत चुके हैं। भरवा लेते हैं थोड़ा सा डीजल, क्योंकि लाइट आएगी नहीं, जनरेटर में डाल के चालू करना पड़ेगा डीजल को। खराब हो चुके, 5 का है ज्यादा चले, ग्यारह किलोमीटर, अरे बाप रे बाप, 11 किलोमीटर पैदल चले हम लोग। अब देख सकते हैं अभी कितनी दूर जाना है हम लोग को, सारा आगे पानी ही पानी है, देख सकते हैं। मतलब अब क्या बताएं आप लोगों को, कैसे चल रहे हैं, कितनी कठिनाई उठा के हम लोग मार्केट गए थे, और ये तो बिल्कुल पैदल चलते नहीं है, कार से चले या बाइक से चले, फिर भी आज इनको ले आए हैं, आज इनको पता लग जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे तो अभी कम है और आगे पानी ज़्यादा पड़ जाएगा, उधर से जब आए थे तो पानी थोड़ा कम भी था और अब ज़्यादा पड़ चुका है पानी। और अभी मैसेज आया है, मैसेज आया है 1 फुट पानी और छोड़ा जाएगा, 1 मीटर, 1 मीटर तक पानी और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो अभी देखते हैं अब कितना पानी बढ़ता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, और अब ज़्यादा पानी ज़्यादा पड़ने लगा है, और वीडियो बनाना भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर फ़ोन छूट गया हाथ से फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बस बस, और हाँ फ़ोन निकाल लो, पैसे पुसे जो हैं, हाँ ये पैसे पुसे सारे, और फ़ोन उन जो है एक पन्नी में करके ये साइकिल में कर लेंगे, क्योंकि बाइक अगर यहाँ लाते तो पानी बहुत ज़्यादा था,
सुलेंसर में पानी चला जाता फिर तो हो जाती बंद, कहीं के नहीं रहते फिर। तो अब निकलते हैं घर के लिए, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है क्योंकि समय हो चुका है ढाई बज गया। वकील साहब टाइम देखने जा रहे थे, डर रहे हैं अगर फ़ोन नीचे चला गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये देख सकते हैं सांसें फूलने लगी हैं यार, बहुत ही। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें, और एक वीडियो को तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, एक वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।